हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये फ्रंट लोड मशीन का मोटर होता है ना, इसे कैसे चेक करते हैं। ये मोटर है IFB का। तो कभी कभी टेक्नीशियन भाई लोगों को समझ में आता नहीं इसे कैसे चेक करना है, या मोटर में फॉल्ट है या PCB में फॉल्ट है। तो आज आपको बताते हैं मोटर कैसे चेक करते हैं। ठीक है, ये IFB का मोटर है। इसमें टोटल 6 वायर हैं। बताते हैं कौन सा वायर कौन सा है। ये जो पहले के जो दो वायर हैं पतले वाले, ये है एक टैकोमीटर का है। ये क्या करता है, ये स्पीड मोटर कितना RPM में घूम रहा है ये मदरबोर्ड को सिग्नल देता है यहाँ से। ठीक है, दूसरा वायर है ये ब्लू वाला, ये ब्रश का है, कार्बन ब्रश का राइट साइड का। और ये जो लाल वाला है वो लेफ्ट साइड का कार्बन ब्रश का वायर है। ठीक है, और जो दो दिख रहे हैं ये स्लीव में से जो मोटर के अंदर से आ रहे हैं, ये फील्ड वाइंडिंग के हैं। ठीक है, तो इसे अभी हम डायरेक्ट सप्लाई देके इसे चेक करेंगे। तो इसमें ये दो वायर छोड़ देना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी टैको मोटर का। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें ऐसा एक जंपर लेंगे, आप बना सकते हैं ऐसा पिन लगा के। तो पहले क्या करेंगे, हमें फील्ड का जो वायर आ रहा है ना ब्लैक एंड ग्रे, तो कोई भी एक वायर पे ऐसे लगाइए जो फील्ड का एक वाइंडिंग पे, और एक जो दूसरे दो है ना इधर के कार्बन ब्रश के, किसी पे भी लगा सकते हैं, इसे शॉर्ट करना है। ठीक है, तो इस तरह शॉर्ट करना है, एक फील्ड वाइंडिंग और एक कार्बन ब्रश, लेफ्ट और राइट कोई भी लगा सकते हैं। तो मैंने एक सा वायर बनाया है टेस्टिंग वायर, आप भी ऐसे ही बनाइए, टेम्प्रेरी मत करिए, शॉर्ट होने का चांसेस होता है। तो हम इसका जो है न्यूट्रल, ये फील्ड का जो दूसरा वायर है ना ब्लैक, उसमें लगाएंगे। और जो ये फेस है, ये जो दूसरा कार्बन ब्रश का है ना वायर रेड वाला, इसे लगाएंगे। तो ये इस तरह का हो गया। फिर से बताता हूँ, फील्ड का जो ग्रे वायर है, ग्रे और कार्बन ब्रश का ब्लू, कुछ दोनों शॉर्ट करना है। और न्यूट्रल आपको फील्ड का एक ब्लैक वाले पे देना है, और कार्बन ब्रश का एक फेस से देना है, ये दोनों छोड़ देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। और अर्थिंग लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए तो इसे टेस्ट करते हैं। ये जरा बहुत तेज़ी से घूमेगा, देखिए आप सीरीज में भी चेक कर सकते हैं, हम लोग पहले सीरीज में चेक करेंगे इसे। लूज कनेक्शन है प्लग में, दूसरे प्लग में लगा तो ठीक है, घूम रहा है तो लोड नहीं ले पाएगा सीरीज में। अब मैं इसे डायरेक्ट लगाऊंगा, ये मोटर खराब हो चुका है, काफ़ी स्पार्किंग आ रही है इसमें से, ये देख लीजिए। तो ये मोटर खराब हो चुका है, इसमें से काफ़ी स्पार्किंग आ रही है अंदर आर्मेचर में से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप टेस्ट कर सकते हैं मोटर। ठीक, अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है, जैसे अगर आपका मोटर अच्छा है, लेफ्ट या राइट घूम रहा है या नहीं, अगर आप भी टेस्ट कर सकते हैं, तो आप ये जंपर को चेंज करना है। जंपर को आप इधर से इधर लगाएंगे,
फील्ड और एक ये, और ये इधर लगा सकते हैं, एक फील्ड में और एक कार्बन ब्रश में, ठीक है। फिर देखते हैं, अभी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा इसका। तो दोस्तों आपने देखा होगा कैसा मोटर चेक करते हैं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन का। तो आज के लिए इतना ही है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।